खाटू श्याम देखिए, काफी सारा प्रसाद और ये फोटो है मार्केट गले की आवाज थोड़ा बैठ रखिए। हमारे गांव से मंदिर आप देख सकते हो, वो मंदिर का मेन गेट है। गाइस फाइनली हम लोग खाटू श्याम जी की स्थान पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही लंबा सफर तय करके हम लोग यहां पर आए विकास भाई और हम लोग गए थे सांबर लेक से बस पकड़कर। अभी 4 घंटे लगा और 90 किलोमीटर का सफर कर हम लोग अभी खाटू श्याम जी की दरबार पे आए और यहां से हम लोग अभी जाएंगे होटल पे। होटल में थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर जाएंगे खाटू श्याम जी की मंदिर। खाटू श्याम जी आने की बात देखिए, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। उरे भाई कितना देव देवता की मूर्ति है यहाँ पर, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, है ना। ये भी कुछ अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे दुकानें लगी यहाँ पर देखो। और आओ थोड़ा सा आगे आओ, यहाँ पर कपड़ा मिलती है, जो साड़ी अगर साड़ी देखते हैं। यहाँ पर भी यार मूर्ति वगैरह है बहुत सारी, देखो अच्छे लगेंगे। ये दुकानें हैं भाई, खाटू श्याम जी आओ और अगर यहाँ से कुछ खरीदारी नहीं करो। ये देखो ये खाटू श्याम जी का, यहाँ पर ये धागा माला सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर लेडीज पर्स वगैरह है और इस साइड होटल है, खा सकते हो। हम लोग उसी होटल पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर, वो उस होटल में हम लोग रुके ऊपर वाले मंजिल पे। चूड़ी वगैरह मिलता है यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा खाटू श्याम। अभी रात हो गए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अभी आए थे कहाँ से, सांबर लेक से हम लोग पहुँचे रात को 8:30-9 बजे खाटू श्याम। तो क्या है विकास भाई और हम क्या है अभी 9 बजे यहाँ पर पहुँचे। तो 9 बजे पहुँचने की बाद पता चला कि भाई 10 बजे तक मंदिर खुलता है खाटू श्याम जी का। तो हम लोग क्या है नहाए धोए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नहा धो लूँ। नहा धोकर फ्रेश हो गए, अभी थोड़ा सा मार्केट का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। और सुबह चार बजे खाटू श्याम जी का दर्शन हम लोग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ से देखना चाहो क्या वैरायटीज़ लगे हुए हैं, क्या दुकान सजी हुई है। आप खाटू श्याम जी यहाँ पर मिठाई की दुकान है, इस साइड बहुत प्रकार की मिठाई और प्रसादों का भंडार है भाई। दुकानें वगैरह बंद हो रहा है यहाँ पर, अभी 10 बज रहे ना, अभी बज रहे 10। तो मैं अभी कुछ चीज़ें कवर कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे हम लोगों को यहाँ पर आना है, हो सके दुकान खुली मिले या ना मिले। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये खाटू श्याम जी का नगरी है, यहाँ पर भी देखो काफ़ी सारा दुकान है। यहाँ पर देखो गाइस काफ़ी सारा प्रसाद मिलता है विकास भाई और अभी हम कल यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे और जो भी प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पर भी देखो काफ़ी सारा मूर्ति वगैरह है, ये देखो ये जयपुर का खासियत है भाई, कितना गजब दुकानें सजी हुई है। यहाँ पर भी जयपुरी कपड़ा वगैरह मिलते, जो जयपुरी पहनावा होते हैं यहाँ पर मिलता है। देखिए काफ़ी सारा सामान जानवर के बीच में नहीं आना। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारा जो सामान, जो फोटो वगैरह खाटू श्याम जी का, और यहाँ का तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये फोटो वगैरह लग देख सकते हो। तो भाई देखो यार काफ़ी अच्छा मार्केट है, इस मार्केट में अगर आप आना चाहो विकास भाई। देखो हम लोग अभी रात को 10 बज रहे और खाटू श्याम जी की दरबार में, यहाँ जो मंदिर प्रांगण में जितनी भी दुकानें लगी हुई वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा दुकान सजी हुई है। चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि ऐसे अगर दुकान दिखाऊंगा तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा। ये मार्केट
इस प्रकार से मार्केट का नज़ारा आप देख सकते हो। ये देखो गहना ही गहना है भाई, करोड़ों का गहना है। आप यहाँ से गहना पहन सकते हो, ज्वेलरी ले सकते हो, देखिए है ना। गाइज अभी रात को 10 बज रहा है, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा खाटू श्याम जी का जो दरबार है, जो गेट है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से लगता है। ये आप देख सकते हो, श्याम देवाय नमो खाटू मंदिर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये इस प्रकार से है और अभी आप देख सकते हो कितनी श्रद्धालु ऊपर जा रहा है। और अभी यहाँ से देखिए कितने भीड़ है, रात को 10 बज रहा है भाई, है ना, काफ़ी संख्या में लोग हैं। और हम लोग सुबह 4 बजे दर्शन करेंगे और सुबह 4 बजे आएंगे यहाँ पर। देखिए अभी एंट्री बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ पर पुलिस वाले रोक रहे भाई, अंदर नहीं जा सकते हो आप, रात को 10 बज रहा है। और देखिए ये यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और कल जब हम सुबह दर्शन करेंगे तो आपको भी वो दिखाएंगे। तो देखते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन कब हो पाते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। गाइस देखिए सुनिए, ये आरती शुरू हो गया, यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु जो यहाँ पर लोग गाइस देखिए मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अभी आरती शुरू हो गई, ये खाटू श्याम जी है। यहाँ पर देखिए लोग, देखिए रात को 10 बज रहा है अभी, यहाँ पर जो भी है वहीं पर से हाथ जोड़ने का काम करे। ये आरती शुरू हो गई, मैं आपको आरती सुना रहा हूँ।
कोई गावे कहते सियांचाई सामी कहते कटू जी सामी हरे पावे कराते हैं। कल सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ लाइन लगाई जाएगी। यहाँ पर देखिए अंदर जाया जाता है, अंदर जाने के बाद ही हम लोगों को दर्शन हो पाए। तो देखते हैं गाइज। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अभी देखो बज रहा है 3:55 हो रहा है, सुबह के 3:55 हो रहा है। कल रात को जैसे कि आप लोगों को बताया था और थोड़ा मेला भी दिखाया था कि बाजार में दुकान कैसे क्या लगा है, गले की आवाज़ थोड़ा बैठ गई क्योंकि कल रात को विकास भाई ने वो पिला दी थी गोलगप्पे, उसमें खट्टा रहता है और ठंडा पानी मिल रहा है पीने के लिए, तो गले की आवाज़ थोड़ी बैठ गई। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए, खाटू श्याम जी के दर्शन करना है, उनकी लाइन में लगना है और लाइन में लगकर हम लोग क्या है दर्शन करेंगे। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है और जाके दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गाइस जरूर मैं कहना चाहूँगा, अभी देखिए हमारे गाँव से और हम लोग एक ही साथ में रहते हैं, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा आप लोगों को, हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे जीतू भाई है और आजाद राजा है और शिवचरण है, पीछे देख पा रहे का नाम है विजय और पीछे है पुष्पेंद्र रजक और पास में है राजेश रावत जी। तो हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और दोस्तों हम लोग एक ही साथ आज खाटू श्याम जी की एक साथ नहीं, मतलब इन लोगों ने पहले खाटू श्याम जी का दर्शन कर लिया और हम अभी बाद में करने वाले हैं। और जयपुर जो टूर हम आप लोगों को दे रहे, आज 3 दिन हो चुका है जयपुर में घूमते हुए और आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखा रहे। तो दोस्तों इन लोगों से मुलाकात हो गई, काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों को दर्शन करने के बाद। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मुलाकात होने के बाद काफी अच्छा लगा दोस्तों। और आप लोग भी देखिए, हम लोग एक ही साथ में रहते हैं और एक ही गाँव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो काफी अच्छा लगा मिलने के बाद, बहुत अच्छा लगा।
और दोस्तों एक ही चीज कहना चाहते हैं, खाटू श्याम जी की दर्शन जरूर करिए। राजस्थान जयपुर अगर आप आते हो तो खाटू श्याम जी से मिलने और खाटू श्याम जी का दर्शन करने जरूर आइए। तो काफी अच्छा लगा, हम लोग घूमने के लिए आए थे और ब्लॉग बनाने के लिए यह मुलाकात हो गई और यहाँ तक यही तक एंड करते हैं। आज मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप दर्शन के लिए एंट्री करते हो खाटू श्याम जी की, तो यहाँ पर देख सकते हो कितने रेलिंग लगी हुई है जो बहुत दूर से मतलब हम लोगों को जाना पड़ रहा है। ये विकास भाई साथ में चल रहे, अभी बज रहे 4। तो अभी देखो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत काफ़ी लंबा सफ़र है। यहाँ से आप देखो ये रेलिंग क्रॉस करके हम लोगों को अंदर जाना है खाटू श्याम जी की दर्शन करने के लिए। तो देखिए काफ़ी लंबा सफ़र है और हम लोग अभी लाइन में हैं और अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। आपको अगर आराम से दर्शन करना है तो आप 4 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो काफ़ी लंबा है ना, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए काफ़ी लंबा है, बहुत काफ़ी लंबा। यहाँ से बहुत दूर तक आपको ऐसे ही रेलिंग से क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अभी बज रहे 4:20 हो गए। तो देखो वहाँ पर भी आपको लोग देख रहे होंगे जो जा रहे है ना, काफ़ी लंबा है। और इस तरफ से हम लोग इतने क्रॉस करके आ चुके हैं अभी। गाइस देख सकते हो लगभग आधा रास्ता तय करके हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफी जल्दी जल्दी यहाँ से हम लोग, ये देखो इस साइड से हम लोग आए थे, यहाँ से आधा रास्ता तय करके हम लोग आ चुके हैं और अभी और आधा बचा है। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आधा रास्ता और बचा है। चलो आरती शुरू हो गई, यहाँ देखो और आधा रास्ता अभी इस साइड बचा है। ये देखो काफ़ी लंबा जो सफ़र है, आप रेलिंग के अंदर से गुजरना पड़ता है। ये देखो एक एक आदमी कैसे रेलिंग से गुजरते हैं यहाँ से। खाटू श्याम जी अगर आप आते हो तो खाटू श्याम जी के लिए आप जब यह दर्शन करने के लिए आओगे तो हो सके कुछ वीडियो से हमें आपको जानकारी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही यहाँ पर रात को आते हो तो सुबह 3 से 4 बजे आप लाइन में खड़े हो जाते हो इस रेलिंग को पार करने के लिए। अभी जो हम रेलिंग पार कर रहे हैं, इस रेलिंग को पार करने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट आपको लग सकता है। आप देख सकते हो अभी यह खाली है, मतलब कोई इतना श्रद्धालु नहीं है। और जब ये भीड़ होते हैं तो आप 4-4 घंटा 5-5 घंटे में भी ये रेलिंग पार नहीं कर सकते। अभी आधा आ चुके हम लोग, देखिए आधा आ चुके, आधा और बाकी है। ये आधा से ज़्यादा आ चुके, यहाँ ज़्यादा लंबा है देखिए। और यहाँ से हम लोग अभी और आधा क्रॉस करना है, तो चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं। गाइस मैं सोचा नहीं था कि इतने आराम से हम लोग दर्शन कर पाएंगे। देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है आपको ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मैंने सुना है कि यहाँ का दर्शन करने के लिए घंटों मतलब 5-5 घंटा 10-10 घंटा ये रेलिंग के अंदर आपको गुजरना पड़ता है, एक एक आदमी करके निकलता है। तो ये जानकारी आपको मैंने थोड़ा सा दिया और आप अभी यहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। ये देखिए दौड़ के हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि आरती शुरू हो चुकी है और यहाँ से अंदर जाया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जरूर, यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। कल रात को मैंने आपको यहाँ से दिखाया था। Oh, no, 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 no,
देखो एंट्री करने वाले हम लोग, यहाँ से हम लोग आए थे, अभी अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए ये मंदिर का मेन गेट है, अभी आप देख सकते हो ये मंदिर का मेन गेट है, अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। चलो 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 चलो, ये मंदिर का कुछ नज़ारा इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। और हम लोग अभी मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, आप देखिए ये भी देख सकते हो, देख सकते हो। आप देख सकते हो भाई कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे झंडे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो झंडे। ये एक बरगद का पेड़ भी है वो, वहाँ पर झंडे देखो आप, अगर झंडे देखोगे हजारों के संख्या में झंडे हैं। और ये मंदिर प्रांगण है, और काफी अच्छा लगा भाई दर्शन करके, श्याम जी का दर्शन जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर करा दिया। ये पूरा उनका एरिया देखिए, ये खाटू श्याम जी का नगरी है, आप देखिए अभी कहा भीड़ भाड़ का कम है, आप देखिए ये खाटू श्याम जी है ना। उन्होंने आराम से दर्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग वहाँ से एंट्री करके अंदर गए, अंदर जाकर दर्शन किया और मनोकामना पूरा हुआ। मैंने यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो। वो मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, श्रद्धालु सब अंदर जाते हैं, है ना। ये देख सकते हो लोग आते जा रहे हैं, अभी अच्छा लगा भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ खाटू श्याम जी जरूर आए, काफी अच्छा लगा दोस्तों खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद। और अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, है ना, चलते हैं। तो जो रात को मैंने यहाँ से आपको तस्वीर लिया था, तो गाइस हम लोगों ने खाटू श्याम जी का दर्शन कर लिया, और हम 2, 4, 6, 7, 8 लोग हैं साथ में, और 8 लोग सब साथ मिलके हम लोग अभी जयपुर जा रहे हैं। और जयपुर से हमारा लोकेशन रहेगा भानगढ़ के लिए, भानगढ़ से फिर जाएंगे हम लोग चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का दर्शन हम लोगों ने कर लिया एक साथ, इन लोगों ने पहले कर लिया था, हम बाद में किया। और विकास भाई वहाँ पर है बैग लिए। तो गाइस वीडियो का यही एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। Thanks for watching.